भाई अगर मैं मर जाऊंगा ना तो तेरे को लेके मरूंगा। जिसने इस शो के गणित को पूरा किया है, सिद्धार्थ शुक्ला की होने वाली वाइफ का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पॉपुलर टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले दवाई खाई थी, लेकिन दवाई कौन सी ली थी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दवाई लेने के बाद सिद्धार्थ सुबह सोकर ही नहीं उठ पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला की डेड बॉडी फिलहाल मुंबई के कपूर अस्पताल में है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम वहीं पर किया जाएगा। अस्पताल ने यह पुष्टि की है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं डीएसपी के मुताबिक उन्हें अभी जानकारी मिली है कि मौत हुई है और बॉडी को कपूर हॉस्पिटल लाया गया है, लेकिन मौत कैसे हुई है ये अभी कहना मुश्किल है। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सिद्धार्थ के साथ रहने वालों के बयान भी लिए जाएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से पूरी इंडस्ट्री को शॉक लग गया, और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला की होने वाली वाइफ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सिद्धार्थ हाल ही में शहनाज गिल के साथ बिग बॉस के OTT पर भी नजर आए थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2008 में टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना से करियर की शुरुआत की थी, और इसके बाद उन्होंने जाने पहचाने से अजनबी, CID, बालिका वधु, लव यू जिंदगी जैसे टीवी शोज और रियलिटी शोज में भी वो नजर आए थे। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। फैंस उन्हें प्यार से सिडनाज बुलाते थे और इस इंतजार में थे कि वो स्क्रीन पर साथ में कब नजर आएंगे। इस शो के बाद सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी में गजब का इजाफा हुआ था। वो फैंस के लिए भी बड़े दिल वाले थे और कई बार उनकी भी मदद कर चुके थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में काम किया था। बिग बॉस में कंटेस्टेंट रही सना खान सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सिद्धार्थ के साथ ऐसा कुछ हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला के जीजाजी और बहन कपूर अस्पताल पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति मिले तो कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखें। और दोस्तों, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।